लगी मूवी? काफी शानदार अच्छी मूवी लगी, जो एक्सेप्ट नहीं की थी उससे भी खतरनाक और अच्छी मूवी लगी। क्या खास लगा आपको? मेरे को सबसे ज्यादा खास लगा शाहरुख खान के 4 से 5 रोल देखने के लिए मिले, मतलब जो भी रोल दिखाए गए थे उसके पीछे कोई ना कोई रीजन ही कि वो रोल क्यों है, गंजे वाला रुको या ऐसे लंबे लंबे वाले वाला प्रोफेसर टाइप का, मतलब एक से बढ़कर एक रोल दिखाए गए, मैंने एक्सेप्ट नहीं किए थे। और बाकी टकले वाला रोल है वो तो काफी शानदार लगा मेरे को। एक्शन कैसा था? एक्शन वगैरह काफी शानदार है और जो अच्छे विलन वगैरह का भी रोल काफी शानदार नजर आया है। बोर करती है फिल्म? कहीं तक बोर नहीं करती है। बाकी सॉन्ग वगैरह जो उसका एक नया सॉन्ग आया था वो सॉन्ग काफी शानदार लगा है। दीपिका का कैमियो वो कैसा लगा आपको? दीपिका कैमियो भी अच्छा है, लेकिन मेरे को शाहरुख खान सबसे ज्यादा मजे में मतलब अच्छे लगे। मतलब एक तरफा शाहरुख खान छाए, मतलब शुरू से लेकर आज तक शाहरुख खान के बदल बदल के रोल आते रहते हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी रहती है इसलिए आते हैं। और बात किया शाहरुख खान की, इससे पहले आप रोल देखने के लिए मिले कोई सी फिल्म में? बाकी उनको टकरे वाला रोल है जगत जननी लिखा होता है, माँ जगत जननी के बारे में बताए थे, और मतलब काफी अच्छी मूवी लगी है। जो एक्सेप्ट नहीं करी उससे भी शानदार मूवी लगी। पठान और इस फिल्म में से चूज करने को बोले तो आप कौन सी फिल्म चूज? मैं तो भाई जवान करूंगा। जवान में कोई शाहरुख खान ने बिल्कुल हट के मूवी बनाई और काफी शानदार लगी स्टोरी इस मूवी की। क्या लगता है ऑडियंस को पसंद? ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई। अगर ऑडियंस अगर एक बार इस मूवी को देखे तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि ऑडियंस इस मूवी को 2 या 3 बार जरूर देखेगी। सबको जाना चाहिए, सबको देखने के लिए जाना चाहिए और काफी शानदार मूवी बनाई। पठान तो कुछ भी नहीं थी, पठान से भी शानदार और अच्छी मूवी जवान है। क्या लगता है पठान से ज्यादा चलेगी? पठान से ज्यादा चलेगी और काफी शानदार कमाई करेगी ये मूवी, मेरे को लगता है। 5 में से कितने स्टार? 5 में से 5 स्टार दूंगा मूवी को।